हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, आज हम आपको चैप्टर टू वर्ड शब्द और वाक इसके विषय में बताने जा रहे हैं। वर्ड क्या होते हैं? भाषा की वो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड कहलाते हैं। किसी भी भाषा को बोलते समय हम अनेक ध्वनियों को अपने मुंह से निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें ही हम वर्ड कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवा। स्वर, स्वरों के उच्चारण में हमें कोई व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के उच्चारण फेफड़ों की वायु वायु में बिना रुके बाहर निकलती है। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। छोटा, छोटी उ, छोटी ई और ऋण आदि 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, इन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती। व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों, कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है। इस प्रकार वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। का वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। चा वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग में आता है टा, ठ, ड़, ढ़। ता वर्ग में आता है ता, थ, द, ध, न। पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा, मा। और 11 लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, शा, पेट, कटा, शा, सा, हा। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये बोलते समय, उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतास्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, इसीलिए इन्हें अंतास्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, 11 लावा। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के भागों से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, और उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, शा, पेट, कटा, शा, साहा। इसके अतिरिक्त 2 व्यंजन और होते हैं, संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्रंग्य, श्रा। ये भी 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। शब्द क्या होते हैं? शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध समूह जो हमें एक निश्चित अर्थ देता हो शब्द कहलाता है। इसमें जो शब्द रहित वर्ण होते हैं वो उनका कोई अपना महत्व नहीं होता है। शब्द को 2 आधारों में बांटा गया है, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे सूर्य, लड़का, घोड़ा, पृथ्वी आदि। और यौगिक शब्द वो होते हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे पाठशाला, भोजनालय, चिकित्सालय आदि। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और एक निश्चित अर्थ देता है, योग रूढ़ कहलाता है, जैसे अक्षर, पंकज, दशानन, निशाचर आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, नृत्य, मयूर, पवन आदि। तद्भव शब्द वो होते हैं संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, आग, नीम, खेत आदि। इसी प्रकार से वाक क्या होते हैं? वाक वो शब्द रचना होती है जो हमें सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक कहते हैं, जिससे हमारा पूरा अर्थ सही प्रकार से स्पष्ट हो जाए।
कुत्ता भौंक रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूरी बात हमारे समझ में आ जाती है। इस प्रकार से वाक जो है वो पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं। वाक के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के संबंध में जो कुछ आ जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे तुम कल बाजार गए थे, तुम उद्देश्य हो गया, कल बाजार गए थे विधेय हो गया। नैना ने कल खाना नहीं खाया, नैना उद्देश्य हो गया, ने कल खाना नहीं खाया, ये विधेय हो गया। वाक भी तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक, निषेधात्मक वाक और प्रश्नवाचक वाक। साधारण वाक वो होते हैं जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राची पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। निषेधात्मक वाक वो वाक होते हैं जिसमें कार का नहीं होना पाया जाए, जैसे राम ने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक वो वाक होते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम कल बाजार गए थे, क्या तुमने कल खाना खाया। इस प्रकार से आपने ये चैप्टर पढ़ा, अब आप जो है इसके सभी प्रश्नों को सही प्रकार से करके कॉपी में रखिए।